उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी सरकार के 3 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। प्रदेश के आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि मंत्री तथा प्रभारी मंत्री जनपद बागपत धर्मवीर सिंह सैनी ने कहा कि चुनौतियों और संभावनाओं के बीच संकल्पों और सिद्धांतों की नाव से यात्रा करते हुए उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने 3 साल पूरे कर लिए हैं। दरअसल आज मंत्री धर्म सिंह सैनी बागपत जनपद में प्रेस वार्ता के दौरान सरकार के द्वारा 3 सालों में कराए गए कार्यों को गिना रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की धारणा को विकास, विश्वास और सुशासन में बदलने में हमें सफलता मिली। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा है। 3 सालों में जो प्रदेश के सामने चुनौतियाँ थी, उन्होंने हमें जूझने की प्रेरणा दी। इसी का परिणाम है कि यूपी प्रदेश में नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई गई। पहली बार प्रदेश में पुलिस फॉरेस्टिंग यूनिट बन रही है। साइबर अपराध रोकने के लिए अब हर एक रेंज में एक साइबर थाना होगा। 3 वर्षों में कोई दंगा नहीं हुआ। डकैती की घटनाओं में 60, लूट में 47, हत्या और 31, बलवा में 27 और दुष्कर्म की घटनाओं में 18% गिरावट आई है। पुलिस विभाग ने 1.37 लाख भर्तियां की हैं। इनके आधुनिकीकरण किया जा रहा है। पुलिस एवं फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी बनाने की कार्यवाही चल रही है। प्रदेश में सभी 18 पुलिस रेंज में एक एक फॉरेंसिक लैब व साइबर थाने बनाए जा रहे हैं। कश्मीर से अनुच्छेद 360 हटने व अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कानून व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त रही। उन्होंने कहा कि 3 साल में 30 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण शुरू कराया गया है। बोर्ड परीक्षाएं नकल विहीन संपन्न कराई गई हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवास बनाने और स्वच्छ भारत में यूपी देश में नंबर 1 है। आयुष्मान सौभाग्य उज्ज्वला फसल बीमा योजनाओं में प्रदेश की परफॉर्मेंस नंबर 1 है। 1.87 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि दी। अब तक किसानों को 12,000 करोड़ रुपए सम्मान निधि में दिए जा चुके हैं। 1.80 करोड़ बच्चों को दी गई यूनिफॉर्म, बैग, सूज, स्वेटर दिए जा रहे हैं। 3 साल में 193 माध्यमिक विद्यालय खोले गए हैं। नकल विहीन परीक्षाएं कराई गई हैं। धर्म सिंह सैनी ने कहा कि अयोध्या में दीपोत्सव, वाराणसी में देव दीपावली, मथुरा वृंदावन बरसाना में जन्माष्टमी और रंगोत्सव भव्यता के साथ मनाए गए। इसके अलावा शुक तीर्थ, नौमिशारण्य, विध्यांचल धाम, चित्रकूट, देवी पाटन, धर्म बौद्धिक सर्किट, कृष्ण सर्किट, रामायण सर्किट पर काम चल रहा है। नवरात्र में देव शक्ति पीठों पर विशेष व्यवस्था रहेगी। पहले तो मैं सभी पत्रकार भाइयों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से सबका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। साथियों, उत्तर प्रदेश में 3 वर्ष पहले 19 मार्च 2017 को एक लोकप्रिय सरकार उत्तर प्रदेश की आदरणीय जनता ने बनाई थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विकास पथ पर अग्रसर सरकार के आज 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। सुशासन के इन 3 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा गांव, गरीब, किसान, महिला, मजदूर, नौजवान सहित सभी के हितों की योजनाएं लागू की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के सशक्त नेतृत्व में 23 करोड़ की विशाल आबादी वाली उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा सकारात्मक राह पर अनवरत बढ़ रही है। उसमें हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ साथ, हमारे सभी अधिकारियों के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण सहयोग अगर है तो आप मीडिया बंधुओं का है। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, सरकार बनने के तत्काल बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पूरे मंत्रिमंडल ने और सभी जनप्रतिनिधि जो हमारे विधायक के रूम में है, सभी के विश्वास से जो उत्तर प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहे थे, क्योंकि उन पर काफ़ी बड़ा बकाया था, 36,000 करोड़ रुपए से लगभग 86 लाख लोगों का, किसान सीमांत और लघु और सीमांत किसानों का कर्जा माफ करने का काम पहली कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, जो ऐतिहासिक कार्य है। इसी के साथ तालियां कोई नहीं बजाऊंगा। इसी के साथ साथ
एक ऐतिहासिक काम जो प्रयागराज में महाकुंभ के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया, पहली बार एक ऐतिहासिक वो साफ निर्मल स्वच्छ पानी के से वहाँ के जो जितने भी भक्त थे, जितने लोग भी वहाँ आस्था रखने वाले थे आए और उन्होंने वहाँ की तारीफ करके गए। यहाँ ही नहीं, विदेशों से भी बहुत से राजनयिक आए और उन्होंने आकर के उसकी तारीफ की। उससे पहले जो वहाँ कुंभ था उसमें बहुत से राजनयिक आए थे लेकिन बगैर स्नान किए वापस चले गए थे, लेकिन अब की बार सभी राजनयिक आए, कई मुख्यमंत्री आए, कई राज्यपाल आए और आकर के वहाँ स्नान करके गए, सब वहाँ की तारीफ करके गए। मेरे विभाग ने भी वहाँ पर 30 डिस्पेंसरियाँ लगाई थी, 14 आयुर्वेद विभाग की, 14 होम्योपैथिक विभाग की और 2 यूनानी विभाग की, जिसमें 6,00,000 लोगों का वार्षिक परीक्षण किया गया और अगर कहीं कोई उन्हें दोष पाए गए तो उनका उपचार भी किया गया। इसी तरह किसानों के हित में, किसानों की सरकार है, युवाओं की सरकार है, महिलाओं की सरकार है, किसानों को ऐतिहासिक 90,000 करोड़ रुपया गन्ने का भुगतान करके एक इतिहास रचा है उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री।